राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो टाइम 7:30 ऐसे कुछ हो रहा होगा, 7-8 बज रहा होगा। तो हम थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं भगवान के वस्त्र वगैरह लेने हैं, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो कान्हा जी के लिए ड्रेस लेनी है। तो बस ये आ गए थे तो मैंने इनसे कहा, तो ये थोड़ा तैयार भी हो गए कि चलो ले लो चल के। तो बस वही हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो वस्त्र लेने मैं ब्रह्म सरोवर पे जाऊंगी, क्योंकि वहीं पे कान्हा जी के ड्रेस वगैरह अच्छी मिलती हैं। आपका स्टीयरिंग ठीक हो गया? और ये गए देखो पैसे निकालने एटीएम से। अभी करो हमारे हिसाब किताब। आज हमें आज पता चली हमारे बैग में से चोरी चोरी पैसा निकालते रहते हैं बैग में। पर्स से तो हमारे पैसे गायब होते हैं, बैग से पैसा गायब होता है। कैमरा देख के बात बुला देता हूँ। नहीं निकाल लेती मैं, झूठ बोल। तुमसे कोई नहीं पूछ रहा अभी, खुद ने अब कैमरा देख ली तो अब पलट गए। अब कह रहे थे कि हम तुम्हारे बैग में से 1500 रुपए निकाल के लिए गए। ये गए तुम लोग क्या कहते हो? हमें एक अरे नहीं सच बोलो, झूठ बोल रहे हो गए, पाप पड़े ये ध्यान रखियो बस। झूठ बोल रहे कसम खा के, हाँ माता रानी की कसम। नहीं नहीं तुम खाओ, अगर तुम खाओ, अगर तुम्हारे मतलब झूठ और सच का ब्याल खुलासा हो जाए। नहीं खा नहीं सक रहे ना, देख रहे 1500 रुपए निकाल के ले गए। जब ही हम कह रहे हैं कि मैं 1500 रुपए कहाँ गए, फिर हमने मन में सोची शायद हम ऐसे चोरी तो लगा नहीं सका। इन्हें आज खुद अपने आप निकाल मुंह से निकाली कि हाँ हम तुम्हारे में से 1500 रुपए निकाल के ले गए थे बैग में से। कितने हो गए? जब से कम 6-7 हज़ार रुपये हमारे निकाल चुके हैं बैग में से। पहले पति है जो मैडम के पैसा बैग में से निकाल निकाल के अपना खर्चा चला रहे। सही बताओ नहीं हम सामने झूठ हो जाए कि हाँ बीबी पति के ऊपर इल्जाम झूठी लगाते हैं, निकाले थे कि नहीं? सही बता दो। नहीं हम इतना रोज रोज गिन के रखा देंगे। हमारी तबीयत ढीली होती तो हमारे पास 1 लाख रुपए चुराए, बताओ। नहीं चुराए, 1 लाख तो है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे कहते इतनी भी ना फेंकोगे? बीस रुपया इनके पर्स से, हम अपने पर्स से निकाल निकाल के सब्जी ले, फ्रूट मंगाए, हर चीज हम अपने पर्स पैसा निकाल निकाल के दे रहे हैं। दियो जरा 500 रुपया, दियो जरा 200 रुपया। हम नहीं देखा देंगे कि हमारे कितने वो गिन के, हम कभी नहीं रखा। जब आदत हमारी गंदी है कि हम पैसा गिन के नहीं रखा देंगे। हम पैसा वो गिन के नहीं रखा देंगे। ब्रह्म सरोवर दिखाएं आप, ये आ गया देखो ब्रह्म सरोवर। सरदार अंकल कर रहे हैं आप? सरदार अंकल क्या कर रहे? तुम्हें हर जगह सरदार ही अंकल दिखा देंगे। यहीं से लेना? हाँ यहीं से ले लो, जो जहाँ से हम लोग लिए थे। कौन सी दुकान है? गीता की पुस्तक ले लो। जाओ पियू आ जाओ। वस्त्र भगवान के वस्त्र ये हैं, ये इधर है। नहीं वो भी तो कहाँ नींबू वाली बहुत बंद है ना वो अपन। अच्छा वस्त्र भगवान साइज दिखा देंगे नीट। ये इतने हाँ ऐसे इसी साइज के दे दो, छोटे साइज के हैं।
क्या देख रही थी ना। तो कान्हा जी के वस्त्र वगैरह मैं ले आई हूँ और बस आते ही मैंने आरती वगैरह की, उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाने में लग गई। और सब्जी में मैं यहाँ लौकी की सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी मैंने छौंक दी है, तो साथ के साथ मैं बर्तन भी धो ले रही हूँ। और टाइम ऐसे ही 9 करीब बज रहा है, और बच्चों के लिए सब्जी रखी है इसलिए मैंने फिर लौकी की सब्जी, और मैं लौकी की सब्जी ऐसी मूंग की दाल और इसी तरीके से यही सारी चीज़ें बना रही हूँ, मतलब अपने लिए, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल हल्का ही खाना बताया है। क्योंकि मैंने खुद भी नोटिस किया है कि मैं जैसे कुछ इन लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ, थोड़ा बहुत देसी खाती हूँ, तो मुझे थोड़ा अलग सा पेट में कुछ महसूस होने लगता है, इसलिए मैं अभी खा ही नहीं रही हूँ। इसलिए मैं लौकी, तोरी और यही सारी सब्जी बना रही हूँ अपने लिए, दाल वगैरह। तो बर्तन भी धुल गए हैं, और सिस्टी पीओ के लिए दोपहर की सब्जी रखी है, लेकिन मुझे याद नहीं है क्योंकि ये ब्लॉग बुधवार का है और आज अगला बुधवार आने वाला है, तो मैं भूल गई हूँ क्या बनाया था मैंने इन लोगों, मतलब दोपहर में मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था। तो ये तो मैं अभी सुबह के लिए भिंडी धो के रख रही हूँ, क्योंकि सिस्टी को सुबह स्कूल जाना है, क्योंकि इनकी आज की छुट्टी थी, बुधवार को मतलब छुट्टी थी स्कूल की, बृहस्पति को इनको स्कूल में मतलब जाना है। तो बस थोड़ी सी मैंने भिंडी धो के रख दी है कि इनके टिफ़िन के लिए मैं बना दूँगी। तो यहाँ बर्तन भी धुल गए हैं, तो बर्तन तो मैंने धो दिए हैं। जो किचन के जो कपड़े होते हैं वो मैं यहीं साबुन रखती हूँ, ये देखिए टाइड एक साबुन मैं रखती हूँ यहाँ पे, वाइट कलर का जो आता है साबुन टाइड का पैक जो, तो बस यहीं पे मैं किचन के जो कपड़े होते हैं यहीं साबुन लगा के और धो के यहीं पे डाल देती हूँ। मैं ऐसे बाथरूम में या वॉशिंग मशीन में उधर नहीं ले जाती हूँ, यहीं धो लेती हूँ। कितना देर मतलब, तो यहीं पर मुझे आसानी भी लगती है, यहीं धो लो और अपना डाल दो तो सूख भी जाते हैं। और तो सुबह के लिए बस इनकी टिफ़िन की तैयारी भी मैंने अभी करके भिंडी धो के रख दी है, क्योंकि भिंडी तुरंत की तुरंत धो और तुरंत बनाओ ना तो वो अजीब सी बनती है, अच्छी नहीं, कुरकुरी टाइप में नहीं बनती है। जैसे धो के रख दो सूख जाए वो अच्छे से, तो थोड़ी सी अच्छी कुरकुरी बनती हैं और जल्दी भी बनती हैं, और तुरंत की तुरंत धो और तुरंत काटो और फिर छौंको ना तो वो कुछ लिबलिबा सापन हो जाता है, वो फिर मुझे बहुत बुरी लगती है भिंडी, इसलिए मैंने धो के रख दी है। और भी कुछ बनाऊंगी क्योंकि भिंडी तो बहुत थोड़ी सी है। तो यहाँ पे मैंने रोटी भी बना ली है, देखिए लौकी टमाटर बनके तैयार है। तो मैं यहाँ पे इनके लिए थाली लगा देती हूँ। और लौकी की सब्ज़ी कैसी भी हो, जीरा वाली हो, मतलब हींग जीरा वाली हो, या मसाले वाली हो, या टमाटर वाली हो, मुझे ये कोफ्ते हो, मुझे लौकी हर तरीके से पसंद है, मुझे शुरू से ही पसंद है, इसलिए मेरा मन भी नहीं उबता है। मुझे तो मैं वैसे भी जब मतलब मेरी दवाई भी नहीं चल रही थी, तो स्पेशली मैं शाम को सोचती थी कभी कि जैसे एक टाइम आप भारी खाना खा लो तो मतलब शाम को लगता ही है कि कुछ हल्का सा बने, जिसमें लौकी सबसे बेस्ट रहती है। तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यही करूँगी, और अगर ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे। आप सभी कैसे हो, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है दिन बृहस्पति, तो बस अभी टाइम 6 बज रहा है, तो मैं उठते ही मैंने गैस रात में नहीं साफ़ की थी, ज़्यादातर मैं गैस छोड़ देती हूँ रात में, क्योंकि मुझे सुबह साफ़ करना ज़्यादा सही लगता है, और स्लिप वगैरह साफ़ करनी होती है सुबह, तो मैं सीधा फिर गैस भी साफ़ करती हूँ, फिर सीधे स्लिप वगैरह भी साफ़, मतलब गैस स्लिप दोनों ही साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे ये भी उठ गए हैं, तो मैं तो चाय पीती नहीं, तो मैंने इनसे कहा मैं और भी मुझे काम करने हैं, आप अपने लिए चाय बना लो, तो ये अपने लिए चाय बना रहे हैं, तब तक मैं और काम निपटाऊंगी। तो भिंडी मैं काट चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैंने भिंडी में तड़का लगा दिया है,
और बस भिंडी में तड़का लगाने के बाद फिर ये मैंने छोले भिगो दिए थे, क्योंकि भिंडी तो मैंने सोचा था पहले कि मैं सिस्टी के टिफ़िन के लिए बना दूंगी, लेकिन फिर अब ये भी निकलेंगे, जब तक सिस्टी निकलेंगी 9 बजे तक, तब तक ये भी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि पूजा इनको ही करनी है, तो ये भी निकलेंगे। तो फिर साथ के साथ मैंने छोले रात में भिगो दिए थे, तो मैं वो भी चढ़ा देती हूँ ताकि ये भी उबल जाएं। और यहाँ पे मैंने उबलने के लिए छोले रख दिए हैं। तो फिर सुबह का टाइम है और दाल बना नहीं सकती हूँ, मतलब त्यौहार भी है अब की बार, मतलब जैसे रात में 9 बजे के बाद राखी बांधी गई है और सुबह मतलब 7-7:30, तो भगवान को तो मतलब बांध सकते हैं, तो सिस्टी पीयू कृष्ण जी और गणेश जी को राखी मैं बंधवा देती हूँ सिस्टी पीयू से। और भोग वगैरह मतलब लगना नहीं है, तो फिर मैंने प्याज और ऐसे करके सब्जी बनाई है छोले वगैरह की, और वैसे मैं बना लेती, लेकिन मैंने रात में वैसे चावल भी एक कटोरी भिगो के रख दिए थे, मैंने सोचा था खूब अच्छे से पीस के, थोड़ा सा पीस के जो चावल वाली खीर बनती है वो बनाऊंगी, लेकिन अब मुझे पूजा करनी नहीं है तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर बस अब मैं मसाला भी बना लेती हूँ छोले का। छोले उबल गए हैं, तो साथ के साथ मैं छोले का मसाला तैयार कर रही थी, प्याज कर रही थी, तो ये आ गए, तो मैंने कहा तुम जरा हाथ 2-3 मार दो तो अच्छे से एकदम महीन हो जाएगा। तो बस ये मसाला मैंने कुकर में ही छोले पलट के और कुकर दोबारा से चढ़ा दिया था, तो मैंने ये इसमें चॉपर में धनिया मिर्ची हल्दी डाल दी और इसी में मैंने टमाटर डाल दिए, और मैं इसमें ही इसको चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया मसाला, टमाटर का टमाटर पिस जाता है और जो धनिया मिर्ची अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो प्याज लहसुन का ये तड़का हो गया था, तो फिर बस मैंने ये मसाला टमाटर की प्यूरी और साथ में वो मसाले भी वो डाल दिए हैं, तो मसाला अच्छा भुन गया था, तो साथ के साथ मैंने छोले भी डाल दिए हैं। तो ये लीजिए, तो यहाँ पे ये मार्केट निकल गए हैं कुछ सामान लेने, प्रसाद वगैरह, तो मैंने सिस्टी से कहा तुम बर्तन वगैरह पूजा के धो लो, क्योंकि डैडी वहाँ से आएंगे, क्योंकि लेट भी हो जाएगा, 8:30 हो रहा है, और सिस्टी को कुछ रहती भी है कि मेरा स्कूल कहीं लेट ना हो जाए, तो मैंने कहा आप इतनी तो हेल्प कर दो डैडी की कि बर्तन धो के रख दो, तो उन्होंने जैसे तैसे करके धो के रख दिए। तो बस ये यहाँ पे आके पूजा करने लगे, क्योंकि पूजा मुझे करनी नहीं है तो यही करेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे पहले भगवान को नहला, गाय निकाल लो, नहीं नीचे रखो, ये उल्टो पहन लो, ये भगवान जी उल्टा पहन के क्यों आई हो, बारी पीबू डैडी, आपके लिए हाँ दीदी ले आएगी तुम्हारे लिए, गिफ्ट कह रही थी ले आएंगे, बस वही राखी बनवाना है, पीयू को देखो रुक जा उल्टा पहन के आई है, चलो इनका सीधा पहना प्लेट ले। इस रक्षाबंधन के त्यौहार की एक नई कितनी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं। महाभारत के अनुसार एक बार सुदर्शन चक्र से चोट लग जाने पर श्री कृष्ण जी की उंगली से खून निकलने लगा। इस बीच द्रौपदी जो पूरी घटना देख रही थी, उन्होंने खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और प्रभु श्री कृष्ण की उंगली को मतलब उससे बांध दिया, जिससे खून रुक गया। इससे खुश होकर प्रभु श्री कृष्ण ने आवश्यकता पड़ने पर द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। वहीं द्रौपदी के चीरहरण के दौरान जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया तो उन्होंने रक्षा करने का वचन निभाया और द्रौपदी के मान और सम्मान को बचाया। और जिन बहनों के जैसे भाई नहीं होते हैं तो वो निराश ही होती हैं, मुझे लगता है कि निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण
और गणेश इनको आप राखी बांध सकते हो, और मुझे कभी नहीं लगता है कि मतलब सिस्टी पीयू किसको राखी बांधेंगी। मैंने हमेशा ही मतलब सिस्टी पीयू से राखी बंधवाई है। अभी तो ये लोग छोटी हैं, अभी इतना इनको ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ज्ञान है तो मैं इसलिए बंधवाती हूँ। धीरे धीरे जब ये बड़ी हो जाएंगी तो इन्हें भी समझ हो जाएगी, और मतलब ये अपने कृष्ण जी और गणेश से हमेशा प्रेम करेंगी। तो इनके गणेश और इन कृष्ण भगवान ईश्वर इन्हें हमेशा ही इनको भी प्रेम करेंगे और इनकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टी पीयू का रक्षाबंधन का त्यौहार पूरा हो गया है और बड़ी अच्छे से हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि छोले और सब्जी बन चुकी है, तो बस सिस्टी का टिफ़िन लगाना है। तो कढ़ाई मैंने ये छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी है, तो फटाफट मैं यहाँ पूरी निकालूँगी। और मैं बड़े उससे मतलब वस्त्र तो मुझे कृष्ण जी के और उनके लेने ही थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि सुबह जल्दी उठूँगी, उठी भी, और मैंने सोचा था कि मैं मतलब अच्छे से कृष्ण जी को तैयार वगैरह करूँगी, लेकिन तैयार इनको मतलब करना था, मतलब इनके हाथ से लिखा था आज का रक्षाबंधन का सारा कुछ। तो बस चलिए, और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो बस यहाँ पर मैंने टिफ़िन लगा दिया है, और इसी तरह से हंसते हंसते आप लोग सभी मिलजुल के रक्षाबंधन मनाइए। मतलब सिस्टी को ये छोड़ के आ गए हैं, और तो बस यहाँ पे धनिया रह गई थी, मैं धनिया डालना भूल गई थी, तो फिर अभी मैंने धनिया डाल दी है। तो छोले बनके तैयार हो गए हैं, तो बस अब मैं इनके लिए भी थाली लगाऊंगी। लोग अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।